दिस इज मी साथिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाह रहे हैं कि पर्सन आपसे करंटली क्या कहना चाहता है, क्या है उसके मैसेजेस आपके लिए। लेट्स फाइंड आउट क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे राइट नाउ, क्या है उसके मैसेजेस आपके लिए, क्या कहना चाहता है आपका पर्सन। जब मैं कार्ड शफल कर रही हूँ अपने पर्सन के बारे में सोचें ताकि हम उनकी एनर्जी को भी टैप इन कर सकें। लेट्स सी क्या है उनके मन में जो आपसे कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन आपसे जो कह नहीं पाते हैं। आई समटाइम्स वंडर इफ यू केयर। आपके पर्सन को कभी कभी लगता है कि शायद आप उनकी केयर नहीं करते हो या करंट सिचुएशन में जो भी हो रहा है उसके लिए यू आर नॉट बॉदर्ड मच। लेट्स सी और क्या कहना चाहता है आपके पर्सन। आप में से कुछ लोगों के लिए 13 नंबर काफी सिग्निफिकेंट हो सकता है आपके रिलेशनशिप के लिए। अगर आप इन टच नहीं हो पर्सन के साथ तो 13 दिन के अंदर अंदर हो सकता है कि आपकी कम्युनिकेशन हो इस इंसान के साथ। यू ऑलरेडी नो आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि शायद आपका जो कनेक्शन है उसके साथ उसमें शायद रिलेशनशिप या बॉन्ड वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए। अगर आप इन टच हो तब भी, अगर आउट ऑफ टच हो तब भी, लेकिन आपके पर्सन आपको मिस करते हैं लेकिन उनको लगता है कि शायद आप उनको उस तरह से मिस नहीं करते हो या आप उनके बारे में उस तरह से नहीं सोचते हो। उनको लगता है कि वो आपकी केयर करते हैं या वो इस रिलेशनशिप के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, आपको शायद इतना मैटर नहीं करता। आपके पर्सन हो सकता है कि आपसे कहते हो कि वी शुड कीप इट ओपन, जैसे होता ना कि आप कमिटेड नहीं रहो, थोड़ा यू नो ओपन होकर रिलेशनशिप को लेकर चलो, जहां पर आप भी और लोगों से भी बात करो वो भी और लोगों से भी बात करें। बट मुझे लगता है कि अगर ऐसा चूज किया आपके पर्सन ने या आपने क्योंकि आपको वो कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, तो मुझे लगता है कि दिस इज बॉदरिंग देम और इसीलिए आपके पर्सन आपको रीच आउट करने वाले हैं बहुत जल्द। अगर आपका रिलेशनशिप खत्म हुआ है तब भी और अगर आप स्टिल इन टच हो तब भी, मुझे लगता है कि आपके पर्सन ने जो भी कुछ आपको कहा दे वुड वॉन्ट टू टेक द वर्ड्स बैक। लेट्स टेक एक और कार्ड टू सी क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन राइट नाउ आपसे, क्या चल रहा है उनके मन में, क्या चल रहा है उनके दिमाग में, क्या कहना चाहते हैं आपसे राइट नाउ। मुझे लगता है कि आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि यू नो ये जो रिलेशनशिप है दिस स्टिल गिव्स देम बटरफ्लाइज, लेकिन एट द सेम टाइम रिलेशनशिप आगे नहीं जा रहा। आप में से कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन और आपके दरमियान में कुछ इश्यूज हैं जिसमें काफी हद तक लोगों का गॉसिप जो है इन्वॉल्व है, लोगों का इन्फ्लुएंस इन्वॉल्व है और जिससे आपका रिलेशनशिप इन्फ्लुएंस हुआ है। आपके पर्सन आपको आपके बगैर ज्यादा खुश नहीं रहते हैं लेकिन एट द सेम टाइम लोगों के इन्फ्लुएंस की वजह से आप दोनों के दरमियान में दूरियां आ सकती हैं या आई हैं। एट द सेम टाइम आपके पर्सन को कहीं ना कहीं लगता है कि जो भी गॉसिप चल रहा है आप दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप को लेकर, उससे वो डेफिनेटली बॉदर हो रहे हैं, हर्ट हो रहे हैं, बट एट द सेम टाइम उनको लगता है कि शायद आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं और वो आपके बारे में सोचकर रोते हैं रात को। बट एट द सेम टाइम अगर आपका नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि वो वापस आएंगे, दिस इज नॉट ओवर येट।